Hey guys, this is me Hassan and you are watching my channel Tech for Hassan. MS Excel के इस चौथे ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आपको वेलकम करता हूँ। चले जी हम अपना MS Excel को ओपन करते हैं और अपने लेक्चर पे चलते हैं। दोस्तों हम पिछले क्लास में आपको स्टाइल और नंबरिंग वगैरह, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट वगैरह, क्लिपबोर्ड वगैरह के बारे में पहले से बता चुके हैं। अब बारी है दोस्तों सेल की। सेल में दोस्तों हम इसकी जूमिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जूमिंग को बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इमरान खान। दोस्तों इमरान खान यहाँ पर मैंने लिखा है तो मैं पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों अब मैं इंसर्ट पे आता हूँ। इंसर्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, मैं दोस्तों अगर सेल यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसके क्लिक करूँगा। ये मुझसे पूछ रहा है दोस्तों कि शिफ्ट सेल डाउन, यानी कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जहाँ पे मैंने इमरान खान टेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, ये मेरा जो है टेक्स्ट नीचे आ जाए और इसकी जगह पर कोई नया सेल आ जाए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम ये ऑप्शन को चूज करेंगे शिफ्ट सेल डाउन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं शिफ्ट सेल राइट, तो हमारा टेक्स्ट राइट साइड पे चला जाएगा और इसकी जगह पे एक न्यू सेल आ जाएगा। इसी तरह रो है दोस्तों, इसी तरह कॉलम है। हम कर देते हैं शिफ्ट सेल डाउन, ओके करते हैं। ये देखते हैं दोस्तों मेरा टेक्स्ट नीचे आ गया और जो है सेल ऊपर नया बन चुका है। इसी तरह दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद दोस्तों हम चाहते हैं इंसर्ट शीट रो। हम इसमें कोई शीट इंसर्ट करना चाहते तो वो हमने इंसर्ट शीट कर दी, उसकी जगह पे शीट इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों कॉलम। हम अगर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कॉलम पे आगे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों टैग के साइड पे कॉलम हम जितना चाहें इंसर्ट वो कॉलम कर सकते हैं। हम दोबारा करेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों कॉलम इस साइड पे इंसर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंसर्ट शीट, हम पूरी पूरी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने जैसे ही इंसर्ट शीट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक न्यू शीट इंसर्ट हो गई है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बाय डिफॉल्ट तीन शीट होती हैं, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। ये देख सकते हैं शीट फोर के नाम से एक न्यू शीट आ चुकी है दोस्तों। हम काम कर, उसके बाद है दोस्तों डिलीट, डिलीट सेल। हम सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम सेल को डिलीट कर देंगे दोस्तों। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है शीट सेल लेफ्ट, हम कहेंगे ओके। तो ये देख सकते हैं दोस्तों वो मेरा सेल डिलीट हो गया, हमारा टेक्स्ट वापस अपने जगह पे आ गया। उसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं कि डिलीट डिलीट शीट रो, रो को डिलीट करना चाहते हैं तो हम पूरी रो को डिलीट कर देंगे दोस्तों। अगर हम चाहते हैं दोस्तों अगर हम पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो रो को डिलीट कर देंगे। कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, पूरी पूरी शीट को भी डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों फॉर्मेट। फॉर्मेट में दोस्तों हमारे पास रो की हाइट है, तो यहाँ पे हमें रो की बाय डिफॉल्ट हाइट दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 20 या 22, जो भी आपको अच्छी लगती है दोस्तों। मैंने आप जितनी चाहे वो वैल्यू रख लेंगे। ये देख सकते हैं रो की हाइट दोस्तों बढ़ चुकी है। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेट में ऑटो फिट रो में हाइट आप करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट जो रो की हाइट थी वो आ चुकी है दोस्तों। उसके बाद है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों कॉलम की विड्थ बढ़ जाती है। जैसे मैं कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ, अब इसकी विड्थ है दोस्तों ये दिखा रहा है 8.43। मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ दोस्तों 8.65। ठीक है, ओके करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी थोड़ी सी हाई विड्थ जो है बढ़ गई है। मैं अगर इसे कम्प्लीटली नो कर देता हूँ, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कॉलम विड्थ को। मैं यहाँ पर नो लिखने के बाद ओके करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों अब मेरा इमरान, ये जो मैंने टेस्ट लिखा था इमरान खान, ये पूरा सेल के अंदर भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा हो गया। उसके बाद है दोस्तों डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ में हमारी जो पहले से विड्थ थी जो एक्यूरेट है वो आ जाएगी 8.43। ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों
वो विथ हमारी लग चुकी है। उसके बाद है दोस्तों हाइड एंड अनहाइड। दोस्तों यहाँ से हम रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को, शीट को, अनहाइड भी कर सकते हैं कॉलम शीट वगैरह का दोस्तों। उसके बाद है रीनेम शीट, हम शीट का नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मूवर कापी शीट, हम शीट को मूव कर सकते हैं या कापी भी कर सकते हैं। उसके बाद टैब कलर है, यहाँ से हम कलर दे सकते हैं दोस्तों, जो चाहें कलर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में दोस्तों हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई हमारी शीट पे वर्क ना कर सके। जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाता हूँ 456, ओके करता हूँ। ये दोबारा से हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, री इंटर करें 456, ओके कर दें दोस्तों। जैसे ही ओके किया, अब कोई भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करेगा वो लिख नहीं सकेगा, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्ट हो चुकी है। हम इसे अनप्रोटेक्ट करते हैं दोस्तों। इसके लिए हम दोबारा आएंगे अनप्रोटेक्ट शीट पे, यहाँ पे आके हम अपना पासवर्ड लगाएंगे 456, ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो अब हम कुछ भी लिखेंगे वो आसानी से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं ऑटो सम में दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे मैं कुछ वैल्यू पुट की, ठीक है दोस्तों, ये मैंने कुछ वैल्यू पुट की है दोस्तों। ऑटो सम में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले इसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, जो हमने वैल्यू लिखी हुई है दोस्तों। ऑटो सम करने के लिए हम एक वैल्यू जो हमने पुट की है उससे एक सेल ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। उसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसके ऊपर आते हैं, सम करते हैं। सम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसका सम आ जाएगा ये। उसके बाद दोस्तों हम अगर इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम इसकी एवरेज पे क्लिक करें, यहाँ पे इसकी एवरेज निकल आएगी दोस्तों। इसी तरह हम इसके अकाउंट नंबर भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम मैक्सिमाइज निकाल सकते हैं कौन सा बड़ा है, उसके बाद मिनिमाइज दोस्तों। उसके बाद हम मोर फंक्शन में और भी इसके फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 5, यहाँ पे मैंने 5 लिखा दोस्तों। यहाँ पे मैं 5 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ इसे फिल करना दोस्तों। मैं फिल के ऑप्शन पे आता हूँ, फिल डाउन। फिल डाउन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मैं पहले एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ये इतने एरिया में मैं फिल डाउन करना चाहता हूँ दोस्तों। फिल डाउन में ये होता है कि मैं जैसे ही डाउन पे क्लिक करूंगा, ये 5 की जो वैल्यू है ये नीचे ना जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ तक लग जाएगी। ये देखें दोस्तों, ये लग गई। उसके बाद इसी तरह दोस्तों हम राइट साइड पे इसे करेंगे। राइट साइड पे करने के बाद दोस्तों हम फिल पे आएंगे। फिल पे आने के बाद राइट पे क्लिक करेंगे, ये राइट पे लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम इसे फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम फिल पे दोबारा आएंगे और अप पे क्लिक कर देंगे, ये अप साइड पे लग जाएगी। इसी तरह दोस्तों हम दोबारा इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे फिल पे आएंगे। फिल पे आने के बाद हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे भी फिल कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारी फिल की ऑप्शन, फिल से हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हमारे पास क्लियर। क्लियर में हम दोस्तों अगर चाहते हैं, यहाँ पे इमरान खान मैंने लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर आया, यहाँ पे मैंने इसे कुछ फॉर्मेटिंग दी। ये यहाँ पे आप कोई और कलर भी दोस्तों अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ये मैंने जैसे ये ग्रीन चूज किया, यहाँ पे ग्रीन चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना टैग। मैं अपना चैनल का नाम लिखता हूँ टैग फॉर हसन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिखा। चैनल का नाम मैंने लिखने के बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ, ये हमारी फॉर्मेटिंग आ गई, मैं चाहता हूँ कि इसे ख़त्म करना। हम क्लियर पे आएंगे। क्लियर पे आके दोस्तों अगर हम क्लियर आल पे क्लिक करेंगे, जितनी भी मीटिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्लियर आल हो जाएगा, यानी कि इसमें जो कुछ भी है वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर आल किया तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं सेल क्लियर फॉर्मेट। हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी कि इसका स्टाइल, इसके कलर, तो वो ख़त्म हो जाए। वो देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्मेट इसका ख़त्म
ख़त्म हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि उसके कंटेंट कंटेंट यानी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ख़त्म करना, तो वो टेक्स्ट भी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कोई कमेंट वगैरह इसमें दिया हुआ है तो वो हम इस तरह इससे कमेंट भी डिलीट कर सकते हैं। सॉर्ट और फिल्टर वगैरह और सेलेक्ट एंड फाइंड वगैरह के बारे में जब हम फार्मूले पे पहुँचेंगे दोस्तों तो हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टेक फॉर हसन, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।